हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट इंडिया। आई एम यशनी चौहान और आज हम यहाँ पर इस वीडियो के अंदर वोकैबुलरी पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में जो भी भाई जिसको अपनी वोकैबुलरी बढ़ानी है या फिर अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करनी है, वही ये वीडियो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो हम अपनी वोकैबुलरी शुरू करते हैं या फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखा पहला वर्ड क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा है पहला वर्ड क्रिटिकल। क्रिटिकल को हिंदी में कहते हैं नाजुक। भाई जो भी सिचुएशन नाजुक होती है उसके लिए स्थिति, जैसे कोई, ये नाजुक वर्ड किसी भी स्थिति के लिए कहा जाता है। जैसे कि हम कहें कि वो उसकी सिचुएशन क्रिटिकल है, नाजुक है। ठीक है, फिर आता है ड्रास्टिक। ड्रास्टिक मीन्स भीषण। क्या होता है भीषण, मतलब अत्यधिक गंभीर, बहुत ज़्यादा सीरियस हालत होती है, सिचुएशन होती है, उसके लिए हम क्या करते हैं ड्रास्टिक का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, ड्रास्टिक का यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर आता है टेरिबल। टेरिबल मीन्स भयानक। क्या आता है, भयानक। अब ये भी सेम है और ये भी सेम है। भीषण मीन्स अत्यधिक भयानक, बहुत ज़्यादा गंभीर हो गया। यहाँ पर टेरिबल मीन्स ओनली भयानक हो गया। ठीक है, टेरिबल मीन्स भयानक। फिर आता है शार्प। शार्प मीन्स पैना या फिर हम कह सकते हैं नुकीला। ठीक है, पर ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि कोई चीज़ नुकीली होती है तब शार्प यूज़ कर लेंगे। इसमें पैने का मतलब है जब जैसे कि किसी के बहुत दर्द है और वो दर्द बहुत है, तो उसके लिए कहेंगे क्या, शार्प पेन। क्या कहेंगे, शार्प पेन। भाई बहुत दर्द है, कहीं भी हो सकता है, सिर भी दर्द हो सकता है ना, तो सिर दर्द। जब अब आते हैं नेक्स्ट, क्या है कीन। कीन होता है इच्छुक या फिर उत्सुक, या फिर उत्सुक। ठीक है भाई, कोई बहुत ज़्यादा उत्सुक है या फिर इच्छुक है, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कीन का यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, कीन। ईन मत पढ़ना, यहाँ पे ई बोला जाएगा। कभी आप कहो कि के एन ओ डब्ल्यू एन, इसमें तो हम इसे नॉन पढ़ते हैं तो इसमें नहीं पढ़ सकते, नहीं। जैसे के एन ओ सी के, नोक, इसमें नोक पढ़ते हैं, इसमें हम के को बोलेंगे, साइलेंट नहीं है ये। फिर आता है बम्पकिन। क्या आता है, बम्पकिन। बम्पकिन मीन्स गवार। बम्पकिन मीन्स गवार या फिर बेढंगा आदमी। क्या आता है, बेढंगा या फिर बेढंग आदमी। ठीक है, ये हम व्यक्ति के लिए यूज़ कर सकते हैं, भाई जो बेढंगा है, जिसमें किसी चीज़ मतलब असभ्य व्यक्ति है, उसके लिए हम किसका यूज़ कर सकते हैं, बम्पकिन का। फिर आता है माइल्ड। माइल्ड मीन्स हल्का। माइल्ड हल्का या फिर लाइट, लाइट भी हो सकता है। ठीक है, मैं आपको इनके साथ इनके सिनोनिम्स बता रही हूँ या फिर इनके ऑपोजिट वर्ड भी बता रही हूँ। ठीक है, फिर आता है एक्सक्रूसिएटिंग। एक्सक्रूसिएटिंग का क्या मतलब होता है, कष्टदाई। भाई जो बहुत कष्टदाई होता है किसी भी सिचुएशन में, कष्टदाई, जो भाई जो कोई भी पेन हो सकता है या फिर कोई भी सिचुएशन हो, उसमें हम यूज़ कर सकते हैं एक्सक्रूसिएटिंग। फिर आता है डल। डल मीन्स मंद या फिर मंदा। भाई कोई भी मेटल, कोई भी चीज़ वो डल है, उसका कलर कुछ नहीं है। ठीक है, जैसे कि कोई भी मेटल, आयरन ले लेते हैं, आयरन का के ऊपर किसी भी चीज़ की कोटिंग है, अभी समझाते हैं, जिसके ऊपर ऑक्साइड की कोटिंग है, ये साइंस की बात है। मान लीजिए उस पर जंग लगा हुआ है तो वो क्या हो, डल हो चुका है। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि जैसे मान लीजिए ग्रेफाइट होता है, वो डल होता है, उसका कोई कलर नहीं है, अच्छा कलर नहीं है। ठीक है, जैसे डायमंड कितना सुंदर होता है, उसके ऑपोजिट ग्रेफाइट होता है, वो कितना ज़्यादा डल होता है उसका कलर, वही बात है। ठीक है, कहता है हॉस्पिटलिटी। जैसे मैंने साइंस की बात बताई थी आपको, हॉस्पिटैलिटी मीन्स मेहमान नवाजी। मेहमान नवाजी। फिर आता है पंजेंट। पंजेंट मीन्स सख्त। पंजेंट जो होता है वो स्मेल के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है। पंजेंट का मतलब होता है जो स्मेल, जो सुगंध होती है वो हमारे नाक को चुभती है, अच्छी नहीं लगती है हमारे नाक को, वो होता है पंजेंट। भाई बहुत ज़्यादा पंजेंट स्मेल होती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल साइंस में एसिटिक एसिड है, उसकी जो स्मेल होती है बहुत ज़्यादा पंजेंट होती है इथेनोइक एसिड की। ठीक है, फिर आता है श्योर। श्योर मीन्स खट्टा। श्योर मीन्स खट्टा। क्या होता है, खट्टा। फिर आता है स्वीट। स्वीट मीन्स प्यारा।
स्वीट मीन्स प्यारा, जैसे हम कोई एग्जाम्पल लेके कह देते हैं हाउ स्वीट ऑफ यू, सो ये एक एग्जाम्पल है प्यारा भी, ठीक है। फिर आता है फोबिया, फोबिया मीन्स डर, क्या होता है, डर होता है, जैसे कि किसी को पानी का डर होता है, किसी को किस चीज़ का, किसी भी चीज़ का डर होता है, जैसे वाटर फोबिया, ठीक है। फिर आता है ओथ, ये अलग अलग है यहाँ पे, ओथ मीन्स शपथ या फिर कसम, ओके शपथ। फिर आता है प्रोवोक, प्रोवोक मीन्स भड़काना, भड़काना, ही प्रोवोक्ड हर, भड़काना, ठीक है। फिर आता है नीचे आइडल, आइडल मीन्स क्या होता है, आदर्श, आइडल मैन, आदर्श व्यक्ति। फिर आता है क्वारल, क्वारल मीन्स झगड़ा, क्वारल मीन्स झगड़ा। अप्रूव, अप्रूव मीन्स पसंद करना, क्या आता है, अप्रूव मीन्स पसंद, या फिर यहाँ पे अप्रूव की जगह हम लाइक भी लिख सकते हैं, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, सिनोनिम्स है, ठीक है। फिर आता है बारबोरस, बारबोरस मीन्स असभ्य, क्या होता है, असभ्य। फिर आता है बैरन, बैरन मीन्स बंजर, बैरन मीन्स क्या होता है, बंजर। दिस लैंड इज बैरन मीन, इसका मतलब है कि जो भूमि है वो बंजर है, ठीक है, जहाँ मतलब जहाँ पर खेती नहीं की जा सकती वो भूमि बंजर कहलाती है। फर्टाइल, फर्टाइल मीन्स क्या होता है, उपजाऊ, जहाँ पर हम खेती कर सकते हैं वो क्या होता है, उपजाऊ, फर्टाइल। मतलब ये दोनों क्या है, ऑपोजिट वर्ड्स है, क्या है, ऑपोजिट वर्ड्स है, ठीक है। फिर आता है सॉफ्ट, सॉफ्ट मीन्स मुलायम, और इसका ऑपोजिट वर्ड क्या होगा, इसका ऑपोजिट वर्ड होगा हार्ड, कठोर, ठीक है। नेक्स्ट रेयरर, रेयर मीन्स, ओहो रेयर मीन्स दुर्लभ, क्या होता है, दुर्लभ, ठीक है। फिर आता है रिफ्यूज, रिफ्यूज मीन्स अस्वीकृति, और एक्सेप्ट मीन्स स्वीकृति, रिफ्यूज अस्वीकृति, भाई जहाँ पे हम किसी चीज़ को नहीं मानते हैं, मना कर देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, अस्वीकृति। फिर आता है प्रिटेंड, प्रिटेंड मीन्स बहाना बनाना, बहाना बनाना, भाई वो बहाना बना रही है तो शी इज प्रिटेंडिंग, तो प्रिटेंड मीन्स बहाना बनाना। इरिटेट, इरिटेट मीन्स चिढ़ाना, व्हाई आर यू इरिटेटिंग मी, भाई मुझे क्यों चिढ़ा रहे हो तुम। एडमायर, एडमायर मीन्स तारीफ करना, एडमायर मीन्स तारीफ करना, शी इज एडमायरिंग हर, वह उसकी तारीफ कर रही है। एटोल, एटोल मीन्स थोड़ा सा, एट ऑल मीन्स थोड़ा सा, जैसे एक वर्ड है नॉट एट ऑल, थोड़ा सा भी नहीं, नॉट एट ऑल, या फिर बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं, यहाँ लिख दिया, वैसे मुझे नीचे लिखना चाहिए था, ठीक है। मैं नीचे लिख देती हूँ उसको, तो ये हो जाएगा नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं, या फिर थोड़ा भी नहीं, ठीक है। फिर क्या आता है, डे टू डे, डे टू डे मीन्स रोजाना, डे टू डे मीन्स रोजाना, डेली, ठीक है। तो भैया कितने वर्ड्स हैं आज हमने कितने किए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। वैसे तो ये 30 वर्ड्स थे, पर ये नोट एट ऑल की वजह से 31 हो चुके हैं, और ऐसे मैंने कई वर्ड्स भी करवाए हैं, जैसे कि ऑपोजिट वर्ड हार्ड, हार्ड मीन्स कठोर, लाइट भी हल्का होता है, यहाँ पे लिखवा रखा है मैंने, कहाँ है ये, लाइट मीन्स हल्का। मैंने कई वर्ड्स मतलब 2-3 वर्ड्स भी एक्स्ट्रा करवा दिए हैं यहाँ पे, और ये भाई बहुत ईजी वर्ड्स हैं, जल्दी याद हो जाएंगे आपको, ठीक है। और
अगर आपको अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करनी है तो ये वर्ड्स तो बहुत ज़रूरी है। धीरे धीरे अपनी वोकैबुलरी आपकी इम्प्रूव होती रहेगी, समझे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।